हेलो, आज मैं आप सभी लोगों के पास में लेके आया हूँ एक बहुत ही प्यारी और खूबसूरत मछली के बारे में, जो कि आप लोग देख सकते हैं। यह है गोल्डन सेवरम फिश, और इसे बहुत सारे लोग येलो सेवरम फिश के नाम से भी जानते हैं, बट ये काफ़ी ब्यूटीफुल और काफ़ी खूबसूरत है। और ये जो फिश होती है एक्चुअली में जो बिलोंग करती है अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की फिश होती है। और ये मैं इसके बारे में पहले तो आप लोगों को कुछ चीज़ें खास बताऊँगा, उसके बाद ये कौन सी फिशेज़ के साथ रह सकती है वो फिशेज दिखाऊँगा। एक्चुअल में मैं इसके साथ में बता देता हूँ, मेरे पास इसकी जो क्वांटिटी थी काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन ये इतनी मेरे पास थोड़ा सा यूनिक आई थी और शायद सेकंड या थर्ड टाइम ही आई है, तो कस्टमर्स जो भी आ रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा इसके प्रति लोकप्रियता उनकी दिखी, और इसका स्टॉक बहुत जल्दी मेरे पास से ख़त्म हो गया। तो कुछ ही सेवरम्स मेरे पास बची हुई, तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को भी दिखाना चाहिए कि ये क्या प्राइस की हैं, किन के साथ रहती हैं और कैसी हैं, जिससे आप लोग भी अपने एरिया से ख़रीद सकें जो मेरे यहाँ से नहीं है। तो मैं इन लोगों की कुछ विशेषताएं बताता हूं, और काफ़ी ये ब्यूटीफुल से हैं भी, थोड़ा सा एक्चुअल में 2-3 दिन हुए ही हैं इन्हें आए हुए, तो थोड़ा सा डरी सहमी हुई भी हैं, तो मेरे मोबाइल को मेरी आवाज़ सुन के थोड़ा सा ऑफसाइड हो रही हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों को इसके साथ टैंक्स मीट्स दिखाता हूं कि किन के साथ में रह लेती हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, पैरट फिश होती है, रेड पैरट, येलो पैरट या कोई भी पैरट होगी, तो उसके साथ में बहुत ही आराम से रहेंगी। आप लोग देख सकते हो कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा इसको पैरेट फिश के साथ रखने। पैरेट हो गई, येलो गुरामी हो गई, और आपका रेड टेल शार्क हो गई, मतलब कि एकदम से कोई कॉमन जैसे गोल्ड फिशेस वगैरह छोड़ के, गोल्ड होगी, सुभांकिन होगी, कॉर्प हो गई, उनके साथ में बिल्कुल भी नहीं रखिएगा। और साथ साथ में जिसका टैंक होता है सेवरम फिश का, वो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग कम से कम 2.5 फीट 30 इंच लंबा रखिएगा और 15 इंच चौड़ा तो ही अच्छा रहेगा। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि जो सेवरम फिशेस होती हैं, ख़ास तौर पे ये जो इम्पोर्टेड सेवरम फिशेस होती हैं अच्छी क्वालिटी की, इनके लिए जो इनकी जो साइज़ होती है वो 8 से 9 इंच तक की बढ़ती है। तो जब ये बड़ी जगह में रहेंगी तो ही साइज़ इनकी बढ़ेगी, अगर आप इनको छोटी जगह में रख देंगे तो इनकी साइज़ भी छोटी रह जाएगी और ये बढ़ेंगी नहीं जब तक ये दौड़ेंगे नहीं, घूमेंगे नहीं, खेलेंगे नहीं। इसके लिए आप लोगों को इसके लिए बड़ा टैंक और ज़्यादा लीटर का पानी चाहिए, और इनको ऑक्सीजन भी काफ़ी चाहिए होगी। जैसे कि ऑक्सीजन वाली फिल्टर की पाइप निकल गई तो बंद हो गया था, तो वो थोड़ा सा सांस लेने की कोशिश कर रही हैं इसके लिए। और आप इनमें जो फिल्टर होता है वो आप पावर फिल्टर का यूज़ इजीली कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पावर फिल्टर में रहेंगे, स्पंज फिल्टर में भी रहेंगे, बट ये पावर फिल्टर थोड़ा सा ऑक्सीजन भी ज़्यादा देगा और पानी भी तेज़ साफ करता है। और बड़ा टैंक रहेगा तो उसमें आप अच्छी क्वालिटी का फिल्टर यूज़ कीजिए, सम फिल्टर या कॉर्नर फिल्टर का भी यूज़ कर सकते हैं, बट इनको गोल्ड फिशेस वगैरह के साथ में मत रखिएगा। हार्ड फिशेस जैसे ऑस्कर्स होती हैं या और कोई एग्रेसिव फिशेस होती हैं, पिकॉक, बॉस वगैरह, बिजली वगैरह, तो उनके साथ में अगर आप रखते हैं तो आपको और भी ज़्यादा बड़ा टैंक चाहिए। कम से कम आप उसके लिए 4 फिट तो मिनिमम टैंक की रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, और जो उसकी चौड़ाई रखी है आप लोग वो भी कम से कम आप 2 फीट या 18 इंच रखेंगे तो काफ़ी बेनिफिट्स होगा इन फिशेज की लाइफ के लिए, कि ये बीमार भी नहीं पड़ेंगे, इनमें कोई फंगस वगैरह भी नहीं लगेंगे, और ये काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक अपनी पूरी उम्र आपके एक्वेरियम, आपके घर में बिताएंगे, बीमार भी नहीं पड़ेंगे। अब इनके मैं टेम्परेचर की बात करता हूँ, कि इनका टेम्परेचर होता है गर्म पानी की मछलियाँ होती हैं, तो जो टेम्परेचर हो आपके घर का या एक्वेरियम का उसको आप कोशिश कीजिए कि वो 25 डिग्री से नीचे नहीं जाना चाहिए इसका। अगर आप टेम्परेचर इससे नीचे जाता है, जैसे ठंड वगैरह का सीजन आता है, तो आप इसमें हीटर का यूज़ ज़रूर कीजिए, और जल्दी से जल्दी हीटर का यूज़ करना चाहिए। फिश फूड की क्वालिटी के ऊपर मैं बताता हूँ आप लोगों को, कि आप फिश फूड जो भी इनको खिलाएं वो फिश फूड इनको अच्छी क्वालिटी का खिलाना चाहिए, जैसे ब्लड बम्स वगैरह हो गए, लाइव फूड्स भी कभी कभी दीजिए, कभी कभी यार एक खिला दीजिए, ये तो ऑप्टिमम चिचिल्ड फिश होता है, फूड होता है वो, आप खिलाइए। रेड चिचिल्ड होता है, उसमें बड़े दाने वाला आता है, वो खिलाएंगे। ऑप्टिमम 3-in-1 वगैरह होता है, उसे भी खिलाएंगे तो वो भी काफ़ी बेनिफिट्स होंगे। और मैं एक फिश दिखाता हूँ जिसके साथ में काफ़ी अच्छे से रहेगी। आप लोग ये 2 टिन फाइल बार्ब फिशेज देख रहे हैं, एल्विनो टिन फाइल बार्ब हैं, ये सेवरम फिश के ग्रुप के साथ में काफ़ी बेहतरीन तरीके से रहेंगे। बट ये है कि जैसे मैंने बताया था कि टैंक की जो साइज़ होनी चाहिए वो आप 4 फिट तक का तो ले ही लेना, उसके बाद ही रखना चाहिए। छोटे टैंक में बिल्कुल भी मैं सजेशन नहीं देता हूँ रखने के लिए। आप एल्विनो टिन फाइल बार्ब है या आपकी कॉमन टिन फाइल बार्ब है, वो कोई भी रख सकते हैं, जैसे फायर माउथ्स वगैरह हो गई, ये भी आप रख सकते हैं, इनमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये साथ में ही रहेंगी, लड़ाई झगड़ा भी नहीं करेंगी और खाना भी खाने लगेंगी। छोटी साइज की डैमासोनी वगैरह भी आप रख सकते हो, जैसे कि इसमें एकदम से रह रही गुरामीज वगैरह हो गई, ये भी रहेंगी आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं इनके प्राइस के ऊपर भी बात करता हूँ आप लोगों से।
जो सेवरम फिश का प्राइस होता है, जैसे कि येलो हो गई, जैसे वाइट सेवरम जो होती है वो काफ़ी सस्ती और काफ़ी चीपेस्ट प्राइस में आ जाती है, मतलब 50 रुपये या 100 रुपये की एक, वो भी साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। बट जो गोल्डन सेवरम हो गई, ये ब्लैक सेवरम हो गई, रेड सेवरम हो गई, इनकी जो प्राइस होती हैं वो आपकी जो मिनिमम स्टार्टिंग होती हैं 200 रुपीज़ ईच, 200 रुपये की एक मिलेंगी आप लोग को, ये एक जानकारी दे देता हूँ। और वो भी डिपेंड करता है साइज़ के ऊपर, जैसे कि आप लोग इसकी साइज़ देख सकते हो, वो लगभग 3 इंच से ज़्यादा ही है, 3 इंच से कम तो नहीं ही है, आप लोग देख सकते हो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा आज का वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और मैंने काफ़ी अच्छी कोशिश की होगी कि आप लोगों को मैं कुछ अच्छी अच्छी फिशेज दिखाऊंगा और कुछ नया नॉलेज देने की, कुछ नई फिश के बारे में जानकारी देने की कोशिश की हूँ। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, मेरा व्लॉग वाला चैनल भी देखिएगा, जिसमें मैं कुछ डिफरेंट वीडियोज डाल के आप लोगों को कुछ डिफरेंट चीज़ें बताना चाहता हूँ। तो आप लोग उस चैनल के भी वीडियोज़ देख के लाइक शेयर सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिएगा। हो सकता है आपको मेरे वीडियोज़ कुछ अच्छे लगे, अच्छे नहीं लगेंगे तो आप लोग मुझे सजेशन देंगे कि मैं कैसे वीडियोज़ को डेवलप करता हूँ। तो आप लोग आज की इस वीडियो को भी लाइक करके कुछ एक्वेरियम हॉबिस्ट को शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय माय डियर फ्रेंड्स।